आपने देखा कैबिनेट का विस्तार हो गया है और सभी मंत्रियों ने शपथ ली है, अब सरकार का काम तेजी से शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, पहला टिकट जब मुझे दिया गया तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी 25 सितंबर को, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है और सुशासन दिवस है। ऐसे दिवस पर मंत्री पद की शपथ लेना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी तो मेरी प्राथमिकता केवल मेरे क्षेत्र की तक सीमित थी कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है। अब जो भी दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे उसके अनुरूप मैं उसको पारदर्शिता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो भी पारदर्शिता के साथ और तीव्र योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ये पहली प्राथमिकता होगी। पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस टीम के अंदर मुझे मंत्री के रूप में जो शामिल किया है, निश्चित रूप से यह एक दायित्व है कि जनता की सेवा करना और मध्य प्रदेश को पूरे देश का नंबर वन राज्य बनाने के अंदर हम एक टीम भावना के साथ में व भारत मध्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की जो सेवा हम कर सकते हैं उस सेवा को पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बड़ी संतुलित टीम बनाई है जिसमें युवा पीढ़ी को, नए चेहरों को व हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें स्थान दिया है, तो इससे यह कार्य करने में बड़ी सुगमता रहेगी और यह मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुखिया हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। एक बड़ा सुखद संयोग है, मेरे आराध्य सदे अटल जी की जन्म जयंती के दिन मुझे राज्य में काम करने का मेरे नेतृत्व ने मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बेहतर काम कर सकूँ। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार बनी है, ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासवादी और जनित जन कल्याण वाली सोच को आगे बढ़ाएगी। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास होगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र लोगों को मिले, ऐसे वो सभी लोग जिन्हें आवश्यकता है सरकार की, वो सरकार को महसूस कर सकें।